फ्रेंड्स, इससे पहले का वीडियो में मैंने आपको दिखाया विहान का एसेसरीज जो काफ़ी बेस्ट लगा। उसी घर का हम वायर के बारे में आज बात करेंगे कि कितना बड़ा घर था, कितना वायर लगा और कितना स्क्वायर फीट था। मैं कंप्लीट इस वीडियो में बताने वाला हूं, दिखाने वाला हूं, तो वीडियो में आप बने रहें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं कि वो जो घर था उस घर में एक बड़ा सा हॉल है और हॉल के बगल में दो रूम हैं। हॉल के से जस्ट सटले दो रूम हैं, बगल में एक किचन है और वही हॉल से इंटर होता है एक बाथरूम है, वही हॉल से इंटर होता है एक किचन, वही हॉल से इंटर करता है दो रूम का। यानी कि हॉल के अगल बगल में ही रूम है और किचन बाथरूम सब है। वहीं पर सीढ़ी घर में भी सीढ़ी घर भी है हॉल में, और वही सीढ़ी घर के जस्ट ऊपर में सीढ़ी जब है, सीढ़ी जब चढ़ते हैं सीढ़ी के बगल में एक एमसीबी बॉक्स है और वहीं पर सीढ़ी के नीचे मेन स्विच मीटर है। यानी कि ज़्यादा बड़ा घर नहीं है, 32 फीट लंबा और 30 फीट चौड़ा, यानी कि 900 स्क्वायर फीट का घर है। तो 900 मान के जाइए, 900 स्क्वायर फीट का हमने यहाँ पर वायरिंग किया है। तो यहाँ पर जो तार आया हुआ है आप देख सकते हैं, 3.5 mm का तार है और 2 1 mm का है। इतना तार में कंप्लीट हो चुका था, आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने मंगाया था 3.5 mm का और 2 1 mm का। यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 कोल हुआ। अभी एक कोल मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। यहाँ पर और एक रोल है जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, अंदर में है। और चार रोल को मैंने निकाल दिया। यहाँ पर देख सकते हैं आप, एक रोल और भी है, देख सकते हैं आप, ये देखिए। तो यहाँ पर जो है 5 रोल सब मिला के आया हुआ है। तो यहाँ पर 32 फीट चौड़ा और लंबाई जो है वो 30 फीट था, यानी कि 900 स्क्वायर फीट का घर है और 900 स्क्वायर फीट में इतना तार लगा, 2 रोल 1 mm का, 3 कोयल 1.5 mm का, और पावर के लिए 2 AC था और एक किचन में जो है पावर इंडक्शन वगैरह के लिए पावर पॉइंट। तो 3 पावर पॉइंट हमें खींचना पड़ा जो कि 4 mm में हो गया था। तो आपका अगर 900 स्क्वायर फीट है तो 900 स्क्वायर फीट में 2 रोल 1 mm और 3 कोयल लग जाएगा आपका 1.5 mm का, क्योंकि एक रोल तो इन्वर्टर में जाएगा और एक रोल लगेगा नहीं, लेकिन इन्वर्टर के लिए मान के जाइए कि हाफ रोल से ज़्यादा थोड़ा सा लग जाएगा। और 2 कोयल मेन न्यूट्रल इन्वर्ट लाइट सर्किट के लिए दोनों रूम से 2 पॉइंट लाइट सर्किट के लिए फेज न्यूट्रल, और किचन से लेना ज़रूरी नहीं है क्योंकि इन्वर्टर तार जा रहा है और पावर पॉइंट के लिए भी सर्किट जा रहा है 4 mm का। तो उससे आप एक लाइट दे सकते हैं, नहीं तो अगर अलग खींचना चाहते तो खींच सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने अलग से नहीं खींचा है, वही पावर पॉइंट से दे दिया है, क्योंकि जितना भी लाइट पॉइंट है सब तो इन्वर्टर से हो जाएगा। इसके लिए हम वहाँ पर जो है लाइट के लिए अलग सर्किट लेके नहीं गया है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 900 स्क्वायर फीट में आपका 3.5 mm का और 2 1 mm का में हो जाएगा। अगर आपका थोड़ा बहुत घटेगा तो वही इन्वर्टर तार जो बचेगा उससे आपका काम हो जाएगा, पूरा घर में आप वायरिंग कर सकते हैं लाइट पॉइंट का। पावर पॉइंट अगर ज़्यादा है तो फिर आपको 2.5 mm लेना होगा या फिर 4 mm लेना होगा, ज़्यादा है तो पावर पॉइंट। तो यहाँ पर ज़्यादा पावर पॉइंट नहीं था, इसके लिए एक 4 mm में हो गया और यहाँ पर 3 1.5 mm का और 2 1 mm में मेरा काम हो चुका है। तो आप समझ गए होंगे कि अगर घर एक घर जो होता है सूटेबल, जैसे कि बीच में हॉल, हॉल के बगल में जस्ट हॉल से इंटर करना है 2 रूम, हॉल से इंटर करना है किचन, हॉल से इंटर करना है बाथरूम, और वहीं पर हॉल में है साइड में सीढ़ी घर जो कि छत पर जाने के लिए, तो आपका तार जो है इतना ही तार लगेगा, 2 1 mm का, 3 1.5 mm का, इतना में आपका हो जाएगा। अर्थिंग खींचना चाहते हैं तो अर्थिंग के लिए एक एक्स्ट्रा तार ले